है इंसर्ट अरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, यानी कोई भी दो नंबर ए और बी है इसके बीच में एक रेशनल नंबर इंसर्ट करिए क्या होगा। ठीक, तो दो नंबर है ए एंड बी, इनके बीच में एक रेशनल, सिर्फ एक एक रेशनल नंबर होता है, दोनों नंबर को जोड़ेंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ये इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर हो गया। जैसे क्वेश्चन है 5/4 एंड 3/6, इसके बीच में एक रेशनल नंबर लिखिए, तो इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक रेशनल नंबर होगा, ये हमारा क्या है ए, ये हमारा क्या है बी, ए प्लस बी 5/4 प्लस 3/6 डिवाइडेड बाई टू, इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 6 × 2 = 12, 3 × 2 = 6 डिवाइडेड बाई टू, तो ये हो जाएगा 15 × 6 = 6, 5 × 6 = 11, 21 / 24, ये एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में आएगा। तो किसी भी दो नंबर के बीच में सिर्फ एक रेशनल नंबर लिखना है तो दोनों नंबर को सिर्फ एक रेशनल नंबर याद रखेंगे, एक से ज़्यादा के लिए अलग रूल है, तो क्या करेंगे कायदे से दोनों नंबर को ऐड करेंगे और कायदे से दो से भाग देंगे, फिर कायदे से जो नंबर आएगा उसको कायदे से वहाँ बैठा देंगे, फिर ये कायदे से दो रेशनल नंबर के बीच में एक कायदे का नंबर आया जो हो गया उन दोनों के बीच में। ठीक ठीक, अगला है, अब देखो एक से ज़्यादा क्या है, अगला तरीका है कि इंसर्ट एन रेशनल नंबर, कितना एन, एक से ज़्यादा, एन के जगह पे 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, तो अगर एन रेशनल नंबर दो नंबर के बीच में ऐड करना है तो दो तरीके से, अब उसके लिए दो कंडीशन होती है जब एन रखना होगा। पहला होता है जब दोनों का न्यूमरेटर इक्वल हो, ठीक, और दूसरा जब दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग हो। दो नंबर हैं, दोनों नंबर के बीच में क्या करना है एन रेशनल नंबर इंटर करना है, अब किस तरीके से हो सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन है -5/4 एंड, ठीक है, नहीं 5/4 एंड 6/4, इसके बीच में कितना, मान लो हमारा 4 रेशनल नंबर लिखना है, कितना इंसर्ट करना है, यहीं पर ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा 4/5 एंड 5/6, इसके बीच में भी 4 रेशनल नंबर एंटर करना है, कितना, मतलब देखो दो रेशनल नंबर है उनके बीच में एक से ज़्यादा रेशनल नंबर इंटर करना है, दो केस हो सकता है, दोनों केस में जब जिनके बीच में लिखना है उनका न्यूमरेटर बराबर हो, देखो 4 4 है, डिनोमिनेटर बराबर है 4 4, दूसरा केस जब उनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 है, नीचे वाला दो अलग केस बनता है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब दोनों का न्यूमरेटर बराबर है तो जितना नंबर, जैसे 4 रेशनल नंबर तो यही इनका वैल्यू है, तो जितना नंबर एंटर करना है एन उसमें एक ऐड करेंगे, इससे दोनों में ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी ऊपर और इसमें भी नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो मान लो एन यहाँ पर कितना है, एन बराबर 4, तो एन प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 5, इसी 5 से 5/4 में ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 25/20, फिर 6/4 में ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी, तो नंबर आएगा 30/20। ठीक, अब देखो इसके बीच में कितने का गैप है, इसके बीच में इतना ही गैप आएगा जितना नंबर लिखना है, आया इसके बीच में होगा हमारा 26, 27, 20, इसके बीच में क्या क्या होगा 26, 27, 28, 29, ये सभी नंबर हैं जो इसके बीच में आएगा, देखो आराम से हो गया। तो ये वो तरीका था जब हमारे दोनों नंबर क्या हो, दोनों नंबर का डिनोमिनेटर इक्वल है तो उनके बीच में जब कोई नंबर एक से ज़्यादा एन रेशनल नंबर एंटर करना है तो जितना भी करना है उसमें 1 ऐड करेंगे, उससे ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर यानी अंश में जितना बीच में नंबर गैप है सभी नंबर को लिख देंगे और उस डिनोमिनेटर यानी हर सबका बराबर होगा, यही वो 4 नंबर है जो उनके बीच में होंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों नंबर एंटर क्या है, इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग है तो होगा क्या, ठीक है, होगा इसमें
कि एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा, कौन बड़ा है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 5 5 जा 25, इसका इससे इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसके नीचे, और इसका इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे, जो बड़ा आया वही बड़ा है। तो ये नंबर क्या है, बड़ा। तो मान लो एक नंबर x है दूसरा y है, यानी यहाँ पर y ग्रेटर देन क्या हो गया x, जो नंबर बड़ा है वो हमारा हमने क्या लिया y, और जो नंबर छोटा है उसको हमने क्या लिख लिया x। इतना समझ में आया, x नहीं x, ठीक है, नहीं कुछ नहीं सेम करेंगे हम, यहाँ पे आराम से कर लेंगे, ठीक है। क्या हुआ, तो करेंगे क्या, ये y बड़ा है x से, तो एक नंबर निकालेंगे जिसको d कहते हैं, d बराबर क्या करेंगे, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, बटे में कितना नंबर एंटर करना है n प्लस वन, ये d का वैल्यू है। अगर इस हिसाब से लिखे तो बड़ा नंबर क्या है y, y माइनस x बटा में n प्लस वन, ये एक ऐसा नंबर है जिसको कहेंगे d, जो भी आएगा वो d हो गया, बाकी बीच में जितने भी नंबर ऐड करने हैं क्या करेंगे, पहला नंबर हो जाएगा x प्लस डी, दूसरा नंबर हो जाएगा x प्लस टू डी, तीसरा नंबर हो जाएगा x प्लस थ्री डी, चौथा नंबर हो जाएगा x प्लस फोर डी। ऐसा कुछ नहीं करना है, दो नंबर जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग है उनके बीच में n रेशनल नंबर लिखना है, दोनों नंबर में से एक बड़ा होगा, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा वाला माइनस करके डिवाइडेड बाई जितना नंबर एंटर करना है उतना प्लस वन, ये जो भी आएगा उसे कहते हैं d। अब जो छोटा नंबर है उसमें d जोड़ेंगे, फिर अगला फिर से d जोड़ेंगे तो 2d हो जाएगा ना, जैसे इसमें अगर हम d जोड़ेंगे तो यही आएगा 2d हो जाएगा ना, फिर इसमें d जोड़ेंगे तो d प्लस d कितना हो जाएगा 2d 3d, फिर d जोड़ेंगे तो 4d, बार बार d जोड़ते जा रहे हैं अगली बार निकालने के लिए। तो x प्लस d x प्लस 2d x प्लस 3d x प्लस 4d, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो d बराबर हो जाएगा, बड़ा नंबर 5 बाई 6 है माइनस छोटा नंबर 4 बाई 5 है, डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 4 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो 6 5 या 30 30 6 25 माइनस 24, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा हो गया 25 में से 24 गया 1 और 30 5 150 1 बाई 150। तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा x, क्या है x हमारा है 4 बाई 5 छोटा वाला नंबर, ध्यान रखेंगे छोटे वाले में जोड़ेंगे d 150, दूसरा नंबर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, दूसरा नंबर हो जाएगा 4 बाई 5 इंटू 2d ना, तो 2 बटे में 150, दो से गुना कर दिए, तीसरा नंबर 4 बटे 5 ये प्लस होगा गुना नहीं होगा प्लस 3 बाई 150, चौथा नंबर 4 बाई 5 प्लस 4 बाई 150 हो गया। तो ये दो तरीके थे जिससे हम आराम से दो नंबर के बीच में एंटर कर लेंगे।